कांग्रेस के सत्ता में आने पर 500 रुपए में रसोई गैस देने और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के वादे के बाद से कांग्रेस नेता खासे उत्साहित हैं। ग्वालियर में कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिंह तोमर ने जब इसके लिए फॉर्म भरने के लिए शिविर लगाया तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने फॉर्म भरकर जमा किए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लॉन्च की गई नारी सम्मान योजना को लेकर ग्वालियर विधानसभा इलाके में कांग्रेस नेता सौरभ सिंह तोमर महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। सौरभ सिंह के नेतृत्व में वार्ड 15 की लाइन में लगे पहले कैंप में सिर्फ 2 घंटे में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरे। सौरभ सिंह ने बताया कि कांग्रेस आम मतदाताओं के साथ है और महंगाई से परेशान लोगों को राहत देना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। सौरभ का मानना है कि कमलनाथ की नारी सम्मान योजना से महिलाओं में बड़ा परिवर्तन आएगा। आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि जिस तरह जैसे ही सरकार बनती है सारी महिलाएं बहनों को हम 1500 रुपये महीना और 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया है, वचन दिया है। वो घोषणाएं नहीं करते, वचन देते हैं और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज यहाँ पे कैंप लगाया है जती की लाइन में और आप देख सकते हैं महिलाओं में कितना उत्साह है और किस तरह से कमलनाथ जी की इस स्कीम को हाथों हाथ लिया जा रहा है और यही शुभ संकेत है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।